यूं फुटपाथ पर पड़े हैं राजगीर मलमास मेला में आए देवी देवता। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगर राजगीर में मलमास मेला की एक अपनी अलग ही पहचान, विशेषता और महत्व है। तभी तो बिहार सरकार ने इस मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया है। मान्यता है कि मलमास मेला के दौरान सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक महीने के लिए, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, राजगीर में आकर निवास करते हैं और फिर अपने मूल आवास वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार राजगीर में मलमास मेला खत्म होने के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। अमरनाथ दर्शन के बाद कुंड क्षेत्र की ये तस्वीरें जो आस्था पर गहरी चोट करती है। कुंड पर मेला में जोगी समाज के द्वारा इन मूर्तियों को लगाकर श्रद्धालुओं से खूब कमाई की गई। कहा जाता है कि इनके स्थापना स्थल को पंडा कमेटी के द्वारा मोटी रकम लेकर आवंटन किया जाता है। पत्थर की इन मूर्तियों को कुछ जोगी किराया पर भी लेकर आते हैं, तो कुछ जोगी इसे वापस अपने घर लेकर जाते हैं और फिर अगले मेले में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल जोगियों के प्रायः मूर्तियां यूं यहां बिखरे पड़े हुए हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सवाल यह उठता है कि कमाई करने वाले धर्म के ऐसे धंधेबाजों की लापरवाही की सुध लेने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं बनती? इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।